नमस्कार दोस्तों, मैं बूस्टमैन टेक्नोलॉजी से डॉक्टर चंदन सिंह। आज मैं आप लोगों को मार्केटिंग के 21 गोल्डन रूल्स बताऊंगा। स्मॉल बिजनेस वाले लोग जो स्टार्टअप इंटरप्राइजेस बिजनेसेस हैं उनके लिए ये 21 गोल्डन रूल्स अप्लाई करनी चाहिए। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला जो कि स्मॉल साइज बिजनेस वाले प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपका न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डालकर, आपको पता होगा कि ये चीज़ आप ट्रेडिशनल मेथड है, क्या है, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डालकर आप प्रमोशन अपना कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड वन हो गया। दूसरा है कोई ऑटो या टैक्सी के पीछे जो होता है ना, बड़ा सा बैनर, वो छोटा सा जैसा भी अपना स्टिकर टाइप का आप लगवा कर भी अपना बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं। बहुत अच्छा है ये स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। उसके बाद आता है डोर टू डोर मार्केटिंग। जैसे बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि सेल्स के लिए क्या करती है ना, कि कुछ मार्केटिंग के बंदों को हायर करती हैं और उनको बोलती हैं कि जाके डोर टू डोर जाके अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करती हैं, वहीं सेल भी हो जाता है। अगर सेल नहीं होता तो ऑर्डर या लीड जनरेट हो जाती है। उसके बाद आता है ग्रुप मीटिंग और पब्लिक सेमिनार भी करके, जैसे कहीं पे भी गए वहाँ पे ग्रुप मीटिंग किया, कहीं पे जैसे प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे अपना प्रोडक्ट के बारे में जाके, सेमिनार हो रहा है वहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। वहाँ पे कुछ पैसे लगते हैं, जैसे सेमिनार में आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं या जो भी चीज़ें हैं। तो वो एक स्मॉल इंटरप्राइजेस वाला चाहे तो थोड़ा व्यवस्था बनाए तो इस तरह की चीज़ें कर सकता है। तो ये सारी ट्रेडिशनल मेथड है। उसके बाद आता है टी शर्ट हो या कैलेंडर हो, इस तरह की अपनी ब्रांडिंग लेबल निकाल कर लोगों को दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि लोग बहुत अच्छे से बहुत गिफ्ट के रूप में इसको लेते हैं और उससे आपके कंपनी की ब्रांडिंग होती है। तो बहुत अच्छा है ये सिस्टम। उसके बाद आता है कुछ ऐसा ट्रेडिशनल जैसे पैम्पलेट। आजकल हर बिजनेसमैन ये चीज़ करता है कि पैम्पलेट छपवा लेता है और लोकली हर जगह पर अपना बंटवा देता है, जैसे न्यूज़पेपर में भी लोग डलवाते हैं, पहला रूल्स हमने बताया था। उसके बाद आता है कि चलिए मैं थोड़ा और करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, बैनर बनवा सकता हूँ जो रोड पे या पोल्स पे टंगवा सकता हूँ, पोस्टर लगवा सकता हूँ बड़ा साइज़ का, थोड़ा आता है 10-18 वाली जो साइज़ के पोस्टर्स होते हैं अपने प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट ऐसे फैक्ट जिसके लोग आकर्षित हों, ऐसे पोस्टर्स भी बनाकर कर सकते हैं। तो ये 7 रूल के जरिए आप अपना ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो कि आज से नहीं बहुत ज़माने से ये चीज़ें चलती आ रही है, वैसे तो ट्रेडिशनल के और महंगे तरीके भी हैं, जैसे टीवी में न्यूज़ चैनल्स पे ऐड डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा होता है जो स्मॉल इंटरप्राइज शायद नहीं कर पाते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर अपना पूरा हेडर पे अपना बैनर छपवाते हैं, जो चैनल में ऐड डलवाते हैं या न्यूज अखबार में जो ऐड डलवाते हैं उसके अंदर, तो वो बहुत ही महंगा पड़ता है। तो वो चीज़ें नहीं मैं कह रहा हूँ करने के लिए, और उसे फ़ायदा भी उस तरह की नहीं होती है। आप चाहें तो कर सकते हैं अगर आपका बजट बनता है तो। तो चलिए मैं अब आप लोगों को कुछ डिजिटल मेथड बताता हूँ जो हमारी कंपनी भी प्रोवाइड कर रही है, बूस्टर ब्रेन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला कि हम आपको बताएंगे कि गूगल पे अपना ऑफिस का या बिजनेस का लोकेशन आप डाल दीजिए, ज़रूर डालिएगा गूगल पे, क्योंकि गूगल से कस्टमर आपको आना चाहता है। तो आज के समय में गूगल का बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया है कि मोबाइल में आप लोकेशन डालिए, आपके यहाँ कस्टमर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है गूगल लिंक देकर अपने कस्टमर को अपने लोकेशन पर पहुँचवाना, इसलिए गूगल बहुत ज़रूरी है। कस्टमर आते भी हैं बहुत ज़्यादा गूगल पे, आप देखेंगे तो लगभग सारे बिजनेस जो है रजिस्टर हुए हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको कर लेना चाहिए, जिनको नहीं करने आता है वो भी हमारे यहाँ कॉल करके आप हमारे यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकता है, या फिर हम गूगल पे कैसे इंसर्ट करते हैं अपना एड्रेस लोकेशन, वो चीज़ें भी हम अपने चैनल में वीडियोस में डाल देंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद आता है गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है, आपको पता ही है, आप गूगल के बारे में कोई भी नॉर्मली आप जानते ही होंगे। तो गूगल में एक ऐड होता है, ऐड कैंपेन्स होती है, जैसे आप अपना बैनर कोई बना लीजिए या फिर कोई एक वीडियो बना लीजिए, छोटा सा एडवर्टाइज क्लिप बना लीजिए, उसको गूगल एडवर्ड के जरिए आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सस्ता और बहुत
कंफर्टेबल होता है। कारण क्या होता है कि इसमें पर क्लिक के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करने होते हैं, तो जितना भी पैसा आपको वॉलेट से उसके कटेगा गूगल के, वो पैसा आपको वहीं से एक एक क्लिक के हिसाब से आपको पैसे पे करने होते हैं। तो जैसे लगता है कि हमें रेस्पॉन्स, हमारी ब्रांडिंग इतनी हो रही है गूगल पे, इतने लोगों ने हमारे एड कैंपेन को देखा है, तो इसलिए गूगल पे पेड ऐप एड आप चला के कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है हमारा जो टेली कॉलिंग का सिस्टम है, ऑटो कॉलिंग, टेली कॉलिंग या IVR सिस्टम के जरिए। IVR सिस्टम क्या होगा कि जैसे आजकल लोग प्रचार करने के लिए एक रिकॉर्डेड वॉइस बना देते हैं और मशीन में डाल देते हैं और नंबर बहुत सारा प्रिंट अपलोड करके स्टार्ट कर देते हैं, डिजिटली कंप्यूटर अपना सभी को कॉल, मशीन अपना कॉल करती रहेगी। तो इस तरह से प्रमोशन करने का बहुत अच्छा मेथड है, और उस तरह से IVR मशीन से आप कर सकते हैं। उस तरह की स्मॉल साइज मशीन, क्योंकि IVR सिस्टम तो बहुत महंगा भी होता है, लेकिन हमारी कंपनी इतना सस्ते में IVR सिस्टम दे रही है, उसके बारे में जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर आप कॉल करके आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है टेलीकॉलिंग सिस्टम, यानी कि कॉल सेंटर बैठा के। आजकल टेली शॉपिंग वाली जो कंपनियां हैं ना, अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, तो क्या करती हैं कि 2, 4, 10 जितने भी एजेंट आप बैठा लेते हैं, उनको एक मोबाइल दे देते हैं या IVR सिस्टम दे देते हैं और उनको बोल देते हैं कि इतने नंबरों पे आप कॉल कर करके पूछिए कि हमारा प्रोडक्ट लेना है। तो कॉल के जरिए बातें होती हैं और बात होने के बाद ऑर्डर क्लोज करवाया जा सकता है। इस तरह का टेक्निक्स है, ये भी कॉल सेंटर सॉल्यूशंस अगर चाहिए तो वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध होता है। हमारी जो कंपनी है बूस्टर ब्रेन टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। अब चलते हैं, मैं देखता हूँ कुछ ऐसे पेड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियाँ हैं, जैसे कि इंडिया मार्ट हो गया, उसमें अपने कंपनी की लिस्टिंग करा लीजिए। उसमें थोड़ा पैसा लेता है, लेकिन पर लीड के हिसाब से आपके कस्टमरों तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। जस्ट डायल भी है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं जस्ट डायल के जरिए भी। जस्ट डायल में क्या होता है कि हर कंपनियों का बिजनेस का एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसके माध्यम से आपको लीड्स भी मिल सकती है, इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, उसके जरिए कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। जस्ट डायल के जरिए मतलब आपके बिजनेस का बहुत अच्छा प्रमोशन मिल जाता है। उसके बाद आता है, चलिए आज के समय में हर लोगों के पास यूट्यूब और फेसबुक होता है, पता ही होगा यूट्यूब और फेसबुक किसी को, जो लोग, जो बच्चे बच्चे लोग जान रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक। यूट्यूब में क्या होता है, वीडियो द्वारा होता है, फेसबुक में भी वीडियो द्वारा होता है, लेकिन उसमें कई बैनर एड पोस्ट के द्वारा भी कैंपेन्स चलाई जाती है। तो बहुत अच्छा है गूगल और फेसबुक और यूट्यूब का जी, प्रोसीजर बहुत अच्छा है और बिना पैसे के होने वाला है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, यूट्यूब और फेसबुक, इस तरह की चीज़ों के जरिए भी आप जो है अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है फेसबुक का कि आप फेसबुक में, चलिए फ्री वाला आपने पोस्ट डाल दिया लेकिन ज़्यादा लोगों की कैंपेन पे वो रुझान नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे, उसमें एक ऐड कैंपेन चलता है, मेटा सेक्शन में होता है। उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं एक फेसबुक ऐड कैसे क्रिएट किया जाता है और किस तरह से आप अच्छे से बना सकते हैं, और बहुत इजीली नॉन टेक्निकल पर्सन भी, थोड़ा कंप्यूटर जानने वाला भी पर्सन उसमें अपना ऐड कैंपेन शुरू कर सकता है। किसी एजेंसी को आपको हायर करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद से ही बनाइए, उसमें पेमेंट डालिए, खुद से मैनेज करिए, खुद से ही अपना एड कैंपेन स्टार्ट करिए। अपना कीवर्ड की जानकारी नहीं हो पा रही है तो मैं अपने वीडियोस में डालूंगा कीवर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फेसबुक विज्ञापन, फेसबुक एडवर्टाइज के जरिए आपको बहुत अच्छा होता है। कारण क्या होता है कि फेसबुक कैंपेन भी पर व्यूज़ के ऊपर, पर क्लिक के ऊपर, पर लीड्स के ऊपर ये पैसे चार्ज करता है। इससे आपको पता चल जाता है कि हमारी एक लीड कितनी की आई है, 3 रुपये की आई है, 30 रुपये की आई है। जैसा आपका कीवर्ड होगा उसी हिसाब से कैंपेन का चार्ज कटने वाला है, तो इसलिए बहुत अच्छा होता है इसका परफॉर्मेंस। जैसा कि लोग टीवी पे ऐड चलवा तो देते हैं, लेकिन पता नहीं कितने लोगों ने ऐड कैंपेन को देखा, लेकिन यहाँ तो आपको पूरा रिटेन
आपको मिल जाने वाला है कि फेसबुक या गूगल ऐड के ऐड कैंपेन्स को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितना रिस्पॉन्स मिला है, ये सारी चीज़ें आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। तो इसलिए फेसबुक और गूगल ऐड कैंपेन्स आप ज़रूर करवाइए, आपका बिजनेस बड़ा करना है तो। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आज के समय में ट्रेंड बेस है, जो है वेबसाइट और डिजिटल बिजनेस कार्ड यानी मिनी वेबसाइट। ये क्या होता है कि कस्टमर को आजकल क्या होता है ना कि कैटलॉग भेजना, आजकल जैसे व्हाट्सएप पे भेजना हुआ, कहीं पे भी आप भेजना है तो आपको एक लैंडिंग पेज क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, जिससे लोगों को कन्विंस किया जाता है, या एक बेहतर क्वालिटी का कैटलॉग ज़रूरी है। तो कैटलॉग या तो मिनी वेबसाइट में होगी या तो आपकी वेबसाइट में भी की जा सकती है, वो आपके कंप्यूटर फ्रेंडली इन्वायरमेंट में भी चलती है और आपका मोबाइल पे भी चलती है। लेकिन कई लोग क्या होता है करता है ऐप पे एडवर्टाइज करना या ऐप बनवाना। रीज़न क्या होती है कि लिंक जितना अच्छा काम करता है वेबसाइट का, कि आपको ऐसी वेबसाइटें जो डिजिटल बिजनेस कार्ड जैसा इन्वायरमेंट की आपके मोबाइल पे जैसे ही खोलेंगे वैसे ही लगेगा कि ऐप से अच्छा हो, क्योंकि ऐप कोई रखना नहीं चाहता, आपके अपनी एंड्रॉयड या एप्पल मोबाइल में कोई ऐप वगैरह नहीं रखना चाहता है, क्या चाहता है कि एक क्लिक में उसका काम हो जाए। ऐसी वेबसाइट लिंक भेजिए, आप वेबसाइट सबसे अच्छा होने वाला है, इसलिए अपने बिजनेस का वेबसाइट बनाइए। और उस वेबसाइट का SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ज़रूर करवाइएगा। हमारी संस्थान क्या कर रही है, मात्र 1500 में, 1500 रुपये में आपको एडसेंस पर मंथ का चार्जेज हो रहा है, SEO करके हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, हमारी कंपनी ऐसी व्यवस्था कर रही है। तो आप SEO ज़रूर करवाइए, आप खुद से कर ले रहे हैं तो और अच्छी बात है, बाकी हम SEO के लिए बहुत सारी ट्यूटोरियल इस चैनल्स में हम डालने वाले हैं, इस बात को आप इंतज़ार करिए। जल्द से जल्द हम आपको SEO के बहुत सारे टूल्स लेकर आएंगे, फ्री टूल्स लेकर आएंगे, उसके अंदर बताएंगे आप लोगों को कि कैसे इसमें क्रिएट किया जा सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, अपनी वेबसाइट का SEO ज़रूर करिए या करवाइए। उसके बाद आता है, चलिए मैसेजिंग सेक्टर को समझते हैं। एक स्मॉल साइज बिजनेस या एंटरप्राइजेस क्या करता है कि मैसेजिंग बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो बल्क मैसेजिंग जो मोबाइल वाले नंबर से जो मैसेज जाता है ना, वो ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं रह गया, लोग मैसेज पढ़ते नहीं। आप चाहें तो कर सकते हैं, बट ट्राई ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे हैं जिसके कारण ये मैसेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रिस्पॉन्स बहुत कम आता है। तो ऐसे में आप इन्वेस्ट न करें ऐसे चीज़ों पर, ऐसे में करके आप परेशान भी होंगे, मैसेज भी सही से मैनेज नहीं होगा। उसके लिए फ़िलहाल 100 मैसेज तो देता है कंपनी, आप जैसे कोई रिचार्ज करते हैं तो 100 मैसेज देता है, तो 100 मैसेज आप भेज सकते हैं। अगर आपको नहीं भेज पा रहे हैं मोबाइल से तो हमारे पास IVR मशीन है, उस IVR मशीन में डाल के आप जो है मैसेज 100 मैसेज आप भेज सकते हैं बहुत आसानी से, तो वो भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है, चलिए मैं कुछ आसान तरीका देख रहे हैं, लोग ट्विटर पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, लिंक्डइन पे डालते हैं, इसमें मैं आपको ऐड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बेसिकली इंस्टाग्राम में क्या होता है कि फेसबुक ऐड ही चलता है, अब फेसबुक ऐड पे जब चलाएंगे ना तो आपका इंस्टाग्राम में भी एडवर्टाइज आपकी होने लगेगी, इतना कॉमन दोनों, क्योंकि दोनों कंपनियाँ एक ही है, इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फेसबुक एडसेंस एडवर्ड के जरिए आप जो है ना अपना इंस्टाग्राम का भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ट्विटर और आपका लिंक्डइन में आपको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफाइल आप क्रिएट कर लीजिए, अगर बहुत प्रोफेशनल जैसे जॉब ओरिएंटेड प्रोवाइडर कंपनियाँ हैं तो आप लिंक्डइन पे भी ऐड कर सकते हैं, मैं तो नहीं कहूँगा। तो ये चीज़ें आपका हो सकता है। उसके बाद क्या होता है मैं वो बताने जा रहा हूँ। अब एक लास्ट मेथड है, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, उस चीज़ से आप अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से, जैसे लोकल बिजनेस है आपका तो उसका बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, इतना ज़बरदस्त का टूल है। इस टूल्स को आप समझिए बहुत बारीकी से, जैसे मेरी कंपनी या मैं एक क्या हूँ, एक ब्लॉगर के तौर पर, एडवर्टाइज़र के तौर पर कार्य करता हूँ,
तो अगर आप अपने बिजनेस की प्रमोशन करना चाहते हैं तो हम आपके बिजनेस की प्रमोशन या ब्लॉगिंग या मेरे यहाँ से मत करिए, कोई और ब्लॉगर को बुला लीजिए जो क्या काम करेगा कि आपके बिजनेस पे आएगा, आपके प्रोडक्ट को दिखाएगा, ऐसे करते हैं, आपसे क्वेश्चन करेगा, ऑनर हैं तो आपसे क्वेश्चन, जी आप प्रोडक्ट बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, अच्छा ये है आपकी खूबियाँ क्या है, कैसे फ़ायदा होता है, ये ऐसे ब्लॉगर्स को बुलाइए, वो ब्लॉगर्स आपको जो भी पैसे लेगा वो कॉमन सी आप उससे डिस्कस करिए, फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, उससे आप एक छोटी सी अच्छी सी क्लिप वीडियोस बनवाइए अच्छी सी, जिसमें कि आपके अच्छे क्वालिटी वाले कंटेंट्स हो, आप उसको तैयार कर लीजिए कंटेंट जिससे कि आप प्रेजेंट कर सकते हो, तो ब्लॉगर्स आपके पूरे मैटर्स को प्रेजेंट करेगा और अपना जो बहुत ज़्यादा पावरफुल चैनल है या कहीं पे भी फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे इन्वायरमेंट पे आपकी पोस्ट वो डाल देगा, उसके बेनिफिट तो वो अलग बात है लेगा, लेकिन आपके बिजनेस की बहुत तेज़ी से बूस्टिंग होने वाली है ये ब्लॉगर वाले सिस्टम से। तो आप लोगों ने देखा ये 21 रूल्स जो कि आपके बिजनेस, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा होता भी नहीं है, अगर हो रहा है तो जो टेलीविज़न वगैरह वाला बहुत मोटा वाला जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां या तो कर रही हैं नहीं तो नहीं करती हैं, आजकल तो बड़ी कंपनियां भी बहुत कम एडवर्टाइज करने वाली रह गई हैं, तो एडवर्टाइज की ये 21 गोल्डन रूल्स आप जो है अप्लाई करिए अपने स्मॉल एंटरप्राइजेस बिजनेस के लिए और उसके बाद देखिए कैसा रिस्पॉन्स है। अगर इसमें से कोई बातें अगर नहीं समझ आई है या किसी टॉपिक पे आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम इस विषय में आपको विस्तृत से विस्तृत बताएंगे और इसका चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं होगा, पूरा फ्री होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त यार कोई भी रिश्तेदार जो भी हो बिजनेस करता है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।